अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है इमरान अदर और आप देख रहे हैं टॉप वीडियो चैनल। फ्रेंड्स, नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। फ्रेंड्स, आज जिस सॉफ्टवेयर के बारे में हम बात करेंगे, सॉफ्टवेयर तो काफ़ी पुराना है मगर कमाल का सॉफ्टवेयर है। इसका नाम जो है वो डीप फ्रीज है। आप जी, ये फ्रेंड्स ये सॉफ्टवेयर है डीप फ्रीज। फ्रेंड्स, इस सॉफ्टवेयर के बारे में मैं आपको बता दूँ कि ये सॉफ्टवेयर कमाल का सॉफ्टवेयर है। इसको हम इंस्टॉल करेंगे, इसके बारे में जानेंगे ये किस तरह वर्क करता है, इससे सिस्टम पे इसकी प्रोग्रेस जो है वो क्या असर अंदाज होती है, इसके बारे में हम जब इंस्टॉल करेंगे उस टाइम मैं आपसे डिस्कस करूँगा। चलें स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करिएगा। चलें बगैर वक्त ज़ाया किए इसको स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, ये मेरे पास डीप फ्रीज जो है ये डाउनलोड हुआ हुआ है। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक आपको दे दूँगा जहाँ से आप ये डाउनलोड कर सकते हैं। आप वैसे इसकी वेबसाइट से भी जाके डाउनलोड करेंगे मगर ये आपको वहाँ पर ट्रायल वर्जन मिलेगा 30 डेज़ का। मगर मैं आपको ये सॉफ्टवेयर दूंगा की के साथ, ये इसकी सीरियल की है। इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने से पहले मैं आपको बता दूं इस सॉफ्टवेयर का फंक्शन क्या है। काफ़ी फ्रेंड्स इस सॉफ्टवेयर के बारे में जानते होंगे जो पुराने हैं। नए फ्रेंड्स के लिए मैं बता दूं, ये सॉफ्टवेयर बेसिकली आपके सिस्टम की ड्राइव्स को फ्रीज करता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका सिस्टम सिक्योर रहे और आप तमाम ड्राइव्स को सिक्योर करना चाहते हैं तो आप इस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल कीजिए। इस सॉफ्टवेयर के अंदर ये है कि ऐसे मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा अच्छा है जो बिला फालतू किसी ऐसी साइडों में जाते हैं जहाँ से वायरस आपके सिस्टम में आ सकता है, तो उनके लिए बहुत बेस्ट है ये सॉफ्टवेयर। ये जस्ट आप इसको इंस्टॉल करें, इसके ड्राइव्स आप सी ड्राइव को सेव करना चाहते हैं कोई सॉफ्टवेयर आपका करप्ट ना हो, विंडो करप्ट ना हो, रीइंस्टॉलेशन ना करनी पड़े विंडो की, तो आप सी ड्राइव लॉक कर सकते हैं। अदरवाइज आप किसी गेमिंग जोन वालों के लिए तो ये बहुत बेस्ट है। इसमें यह है कि अगर आप इस गेमिंग जोन वगैरह है तो उनके सिस्टम वगैरह पे कोई भी आके बैठ जाता है और उनकी विंडो फाइल वगैरह कोई डिलीट कर देता है तो उनको रीइंस्टॉलेशन वगैरह करनी पड़ती है। मगर अगर ये आपके पास डीप फ्रीज आपके सिस्टम में लगा हुआ है तो उससे ये होगा आप कुछ भी कर लें, आप यहाँ तक कि आप विंडो के ऊपर राइट क्लिक करके उसको डिलीट भी कर दें और सिस्टम को रीस्टार्ट करें, सिस्टम वापस अपनी पोजिशन पर वापस आ जाएगा। इस सॉफ्टवेयर की सबसे बड़ी खासियत यही है कि इसमें आप कुछ भी करें जिस टाइम आप इसको लॉक करेंगे ये वापस उसी पोजीशन में आ जाएगा। चलें इसको मैं इंस्टॉल करके दिखाता हूँ। फर्स्ट हम इसको इंस्टॉल करेंगे, ये इसका इंटरफेस है। यहाँ से मैं नेक्स्ट करूँगा, नेक्स्ट करने के बाद आई एक्सेप्ट टर्म एंड लाइसेंस, इसके बाद ये यहाँ पे सीरियल की मांग रहा है, मैं इसको यहाँ से सीरियल की दे देता हूँ। सीरियल की यहाँ पर मैं डाल देता हूँ इसके अंदर। और अगर आप ये डीप फ्रीज की साइट से जाकर डाउनलोड करेंगे तो वहाँ से आपको सिर्फ ट्रायल वर्जन मिलेगा 30 डेज़ का। ये मेरे एक दोस्त ने मुझे दिया था तो मैं आपसे शेयर करूँगा। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पे आपके विंडो सिस्टम की जितनी भी ड्राइव्स हैं वो यहाँ पर शो हो जाएंगी। आप यहाँ से मैं आपको सिर्फ जो है वो सी ड्राइव लॉक करता हूँ, यहाँ से मैं नेक्स्ट करूँगा। अब इस इंस्टॉलेशन के बाद जो है सिस्टम रीबूट होगा मेरा। रीबूट के बाद हम हकीकी जो इसका इंस्टॉल होने के बाद आएगा वो मैं आपको दिखाऊंगा। चलें मैं इंस्टॉल करने लगा हूँ, इसके बाद हम रीबूट होने के बाद की वीडियो आगे से स्टार्ट करेंगे। इंस्टॉल पे मैंने क्लिक कर दिया, ये अब इंस्टॉल हो रहा है। बहुत छोटा सा सॉफ्टवेयर है, 20-25 MB का है, बहुत ही ज़बरदस्त है। ये इंस्टॉल होने के बाद जो उसमें हम आगे जान पाएंगे वो तो आप देख लेंगे।
सिस्टम अब मेरा रीस्टार्ट। जी फ्रेंड्स, वेलकम बैक। फ्रेंड्स, सिस्टम रीबूट हो चुका है। मैं अब आपको दिखाता हूँ, ये आपके साइड बार में ये इस तरह आपको आइकन इसका नज़र आएगा। अब हम इस पे जब क्लिक करें, राइट क्लिक करें, ये ओपन नहीं होगा जब तक कि आप कीबोर्ड की शिफ्ट की जो है वो उसको प्रेस करके नहीं रखेंगे। उसको प्रेस करके रखें और इस पे जस्ट क्लिक करें, डबल क्लिक, तो ये ऐसे खुल जाएगा। अब यहाँ पे इंटर पासवर्ड बता रहा है, हमने इसमें पासवर्ड नहीं दिया, तो हम इसको जस्ट ओके करेंगे। इसके बाद इसका इंटरफेस अंदर से ऐसा आएगा। यहाँ पे हम इसमें एक पासवर्ड दे देते हैं सेफ्टी के लिए, 123 कर देता हूँ मैं। कोई इशू नहीं है, आप शॉर्ट पासवर्ड ऐसा भी दे सकते हैं जो आपको याद हो। यहाँ पर हम इसको ओके कर देते हैं। फ्रेंड्स, ये आपकी जो है विंडो सी ड्राइव जो है ये आपकी सिक्योर हो गई। फ्रेंड्स, इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसको कोई भी डिलीट नहीं कर सकता। इस सॉफ्टवेयर को कोई सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल नहीं कर सकता। ये आपकी सी ड्राइव जो है वो लकीली जो है ये सिक्योर हो गई है। अब यहाँ आप सी ड्राइव के अंदर से कुछ भी डिलीट कर दें या कुछ भी इंस्टॉल कर दें। कई दफ़ा ऐसा होता है आपका सिस्टम ऑफिस के अंदर है या पर्सनल लैपटॉप वगैरह में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसमें कोई कोई वेबसाइट खोल लेता है, कोई फ्रेंड्स वगैरह, उसमें वायरस होता है जिसकी वजह से आपकी विंडो करप्ट हो जाती है। तो अगर आपको ये डीप फ्रीज लगा हुआ होगा तो ये आप कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ आपको जस्ट रीस्टार्ट करना पड़ेगा, सिस्टम वापस उसी पोजीशन में आ जाएगा जिस पोजीशन में आपने डीप फ्रीज इंस्टॉल किया था। ये इसकी एक ख़ास चीज़ है। फ्रेंड्स, ये तो हमने इंस्टॉल कर लिया। अब इसका मैं आपको फंक्शन बता देता हूँ कि आप किस तरह इसको चला सकते हैं। मैं पासवर्ड डालता हूँ, यहाँ पे मैंने ओके किया। फ्रेंड्स, यहाँ पे जब आते हैं तो बूट फ्रोजन है इस पे, ये नॉर्मली यहाँ इस पोजीशन में रहेगा तो ये यहाँ पे सिक्योर करी हुई इसने सी ड्राइव। नीचे आ जाते हैं, बूट टर्न ऑन नेक्स्ट है। अगर हम यहाँ पे इसको क्लिक करते हैं तो यहाँ से ये पोजीशन पूछ रहा है कि एक बार रीस्टार्ट करना है, दो बार, तीन बार। तो ये जब आप इस पे जितना दफ़ा कर देंगे तो सिस्टम इतनी दफ़ा रीस्टार्ट होने के बावजूद अनलॉक रहेगा। तीन बार रीस्टार्ट होने के बाद ये अनलॉक रहेगा। अगर आप कोई चीज़ इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आप एक बार इस पे क्लिक कर दें, वन टाइम रीस्टार्ट, ये यहाँ पे रख के आप जस्ट अप्लाई एंड रीबूट। इसके बाद आप कोई भी चीज़ अपना सॉफ्टवेयर वगैरह इंस्टॉल करें, इंस्टॉल करने के बाद उसे रीस्टार्ट कर दें, ये वापस यहाँ पे आ जाएगा। ये तो फ्रेंड्स सिक्योर करने के लिए। अदरवाइज़ अगर आप चाहते हैं कि सिक्योरिटी ना लगी हुई हो और कुछ टाइम के लिए लगी हुई हो, तो आप इसको बूट थ्रेड पे कर दें। यहाँ से ये होगा कि ये सॉफ्टवेयर जो है ये आपके पास इंस्टॉल ही रहेगा, मगर आपकी ड्राइव लॉक नहीं रहेगी। इस पोजीशन में थर्ड पोजीशन पे जो है, इससे आपकी ड्राइव लॉक नहीं रहेगी। आप कुछ भी इंस्टॉल करें, कुछ भी डिलीट करें, वो सब काम नॉर्मल ड्राइव की तरह होता रहेगा। ये पोजीशन, अगर आप जब इसको सिक्योर करना चाहते हैं, जब आप चाहते हैं कि मैं कोई ऐसी वेबसाइट खोल रहा हूँ जहाँ पे वायरस है, मुझे प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप इसको यहाँ से जस्ट फर्स्ट बूट जोन फ्रोजन पे कर दें। इस पे करने के बाद आप इसको एक दफ़ा रीस्टार्ट करें। रीस्टार्ट करने के बाद आपकी ड्राइव जो है वो सिक्योर हो जाएगी और आप कुछ भी यहाँ पे डाउनलोड वगैरह किसी भी साइट पे जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, या किसी भी किड्स वगैरह जो है वो अगर गेम खेलना चाहते हैं, उल्टी सीधी राइट क्लिक करके डिलीट कोई चीज़ कर देते हैं, तो आपको ये पता है कि आपका सिस्टम सिक्योर है। आप जस्ट रीस्टार्ट करेंगे और ये प्रॉपरली वर्क करेगा। ये था फ्रेंड्स सॉफ्टवेयर डीप फ्रीज, जो बहुत ही कमाल का सॉफ्टवेयर है। आप इसको ज़रूर इस्तेमाल करें। थोड़ा इसका पीरियड लंबा हो सकता है कि आपको रीस्टार्ट वगैरह सिस्टम करना पड़ेगा, बट इसकी वजह से अगर आप एक दफ़ा इसको विंडो इंस्टॉल करने के बाद इंस्टॉल कर देते हैं, तो जब तक आप इसको उससे डिलीट नहीं करेंगे, तो ये सॉफ्टवेयर जो है आपकी विंडो को ख़राब नहीं होने देगा, करप्ट नहीं होगी आपकी विंडो, जब तक कि आप का सॉफ्टवेयर ये इस सिस्टम इस विंडो के अंदर
इंस्टॉल है फ्रेंड्स। दूसरा इसका यह है तरीका, अगर आप इसको अनइंस्टॉल करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इसको यहाँ तीसरे बूट थर्ड पे वेट पे आपको रखना पड़ेगा। यहाँ से जैसा आप रीबूट करेंगे, रीबूट करने के बाद आप इसी के उसमें जाएंगे और यहाँ से जस्ट इस पे जो एप्लीकेशन है इसकी इंस्टॉल की, आप इसी पे क्लिक करेंगे तो ये ओपन होगा अनइंस्टॉल के लिए। तो फिर आप इसको अनइंस्टॉल कर सकते हैं, अदरवाइज़ ये आपका कंट्रोल पैनल में भी शो नहीं होता कि ये कहाँ पे इंस्टॉल हुआ होगा। ये आपको जस्ट यहाँ पे शिफ्ट दबा के आप इसको ओपन कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपका कोई हल नहीं है। ये किसी तरीके से भी इसको डिलीट नहीं किया जा सकता, इसका कुछ वो नहीं है। आप इसको शिफ्ट दबा के इसको ओपन कर सकते हैं, डिलीट अनइंस्टॉल करने के लिए आपको ये थर्ड तीसरी पोजीशन पे रखना पड़ेगा। यहाँ से रीबूट करें और आप इसी सॉफ्टवेयर के अंदर जाएंगे जहाँ से आपने ये इंस्टॉल किया था, इसी पे आप डबल क्लिक करेंगे। इस पर डबल क्लिक जब करेंगे तो अनइंस्टॉल का यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा, जिससे आप इसको अनइंस्टॉल कर सकते हैं। ये देखें, यह इंस्टॉल अनइंस्टॉल। अब मैं जब इसको रीबूट करूँगा ये उस पोजीशन पे आएगा, डिसेबल करना पड़ेगा। तीसरा ऑप्शन जो है वो डिसेबल का है, वहाँ से सॉफ्टवेयर डिसेबल हो जाता है। इससे अब यहाँ पे अनइंस्टॉल का ऑप्शन भी दे देगा आपको इस सॉफ्टवेयर में, तो ये अनइंस्टॉल हो जाएगा। फ्रेंड्स ये थी डी फ्रीज की सॉफ्टवेयर की कुछ खासियत। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करिएगा ताकि नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके। शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।